हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन कक्षा 11 में अपन अध्ययन कर रहे थे लेसन नंबर 1, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था रसायन विज्ञान व कृषि रसायन विज्ञान की परिभाषाएं, वैज्ञानिकों का योगदान और रसायन विज्ञान की मुख्य शाखाओं के बारे में। आज अपन अध्ययन करेंगे रसायन विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व क्या होता है। अगर देखा जाए, जैसे अपने दैनिक जीवन मतलब डेली रूटीन में रसायन विज्ञान से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों का अपन यूज करते हैं, प्रयोग में लेते हैं। सुबह उठते ही से लेकर सोने तक पूरे डेली रूटीन में अपन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका यूज करते हैं, उनमें रसायन प्रयुक्त तो होती है, कहने का मतलब। तो रसायन का कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। इसी कारण 20वीं शताब्दी को, कौन सा शताब्दी को, 20वीं शताब्दी को रसायन विज्ञान की शताब्दी कहा गया। रसायन विज्ञान की शताब्दी कहा गया। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन सी शताब्दी है जिसको रसायन विज्ञान की शताब्दी कहा गया है, वो कौन सी आपकी 20वीं शताब्दी है जिसको रसायन विज्ञान की शताब्दी कहा गया है। अगर अपन कहें इसके आधार पर, तो वर्तमान समय में रसायन विज्ञान और इससे बनने वाले उत्पादों के बिना जीवन संभव नहीं है। जैसे आप उठते ही टूथब्रश करते हो, तो टूथब्रश जो भी मटेरियल होता है वो आपका रसायन विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले रसायनों से बनता है, उसमें कहीं ना कहीं रसायन आपका यूज आता है। सब्जी आप खाते हो, रसायन यूज आता है, राइट? मतलब खाना खाते हो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे रसायन आपके यूज आते हैं, प्रयुक्त में लिए जाते हैं, क्लियर? तो अपने दैनिक जीवन में रसायनों का बहुत ज्यादा उपयोग है। जैसे बात करो मैं आपके, अगर अपन प्रकृति में उपलब्ध जैसे आपका सोना चांदी पेट्रोलियम इस्पात, ये सब कहाँ पाए जाते हैं आपके, प्रकृति में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। कोयला हुआ, गंधक हुआ, गंधक का मतलब जानते हो सल्फर, सोना चांदी पेट्रोलियम इस्पात कोयला गंधक, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक है, प्रकृति में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक है। नमक हुआ आपका, जो कहाँ पाया जाता है, समुद्र में से नदियों में से पाया जाता है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं आपके, प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ है, यौगिक है, जिनमें रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिनको अपन दैनिक जीवन में प्रयोग में लेते हैं, क्लियर? अब बात करते हैं ये सब तो क्या हो गया आपके, प्रकृति से प्राप्त होने वाले। अब इसकी बात करते हैं अपन संश्लेषित, जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। किसमें बनाए जाते हैं बेटा, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। जैसे बात करो मैं किसकी, साबुन बनाया जाता है, अपमार्जक बनाया जाता है, ठीक है, डीजल पेट्रोल, ठीक है, गंधक अम्ल, क्या होता है गंधक अम्ल, H2SO4, साबुन, अपमार्जक, डिटर्जेंट से बोलते हैं, डिटर्जेंट, डीजल पेट्रोल कोलता, कौन सी बात करिए अपन, कोलता, क्लियर? फिर बात करूं मैं किसकी, नीला तोता, जानते हो इसको बोलते हैं बेटा, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, ये सब बनाए जाते हैं, क्लियर? फिर बात करूंगा मैं किसकी, नौसादर,
वो क्या है, अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोराइड। क्लियर। साबुन, अपमार्जक, डीजल, पेट्रोल, गंधक अम्ल, कोल तार, नीला थोता, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट को, नौसादन, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये सारे क्या हुए? संश्लेषित रासायनिक उत्पाद हुए। क्या हुए? संश्लेषित रासायनिक उत्पाद जिनका दैनिक जीवन में उपयोग होता है। ये कौन से हुए? प्राकृतिक रासायनिक उत्पाद जिनका दैनिक जीवन में प्रयोग में लिए जाते हैं। आजकल बहुलक से बनी हुई चीजें, इसकी बात करूंगा बेटा मैं। बहुलक पढ़ा हुआ आपने, बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना हुआ यौगिक, बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना हुआ यौगिक, वो क्या है आपका? बहुलक। जैसे बात करूं मैं इसमें, रेयॉन, प्लास्टिक, ठीक है, टेरिलीन, टेरिलीन के बाद में अपने पास में आ गया रेयॉन, प्लास्टिक, टेरिलीन, और आपके पास में बेकेलाइट, कृत्रिम ऊन, इसकी बात करेंगे अपन, कृत्रिम ऊन। ये सब क्या है? ऐसे बहुलक है जिनका अपन दैनिक जीवन में प्रयोग में लेते हैं, जिनको अपन दैनिक जीवन में प्रयोग में। क्लियर बेटा? इसके अलावा अगर अपन बात करें, इसकी बात करें बेटा, इसके अलावा अगर बात करें अपन, जैसे रसायन, एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, इसकी बात करें, देखो एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। इसके अलावा कंप्यूटर की डिस्क, कंप्यूटर का फ्रेम, सनग्लास, ये सब क्या है आपके? रसायन से बनने वाले पदार्थ है, यौगिक है, जिनका दैनिक जीवन में उपयोग में लिया जाता है, जिनका दैनिक जीवन में उपयोग में लिया जाता है विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। ये सारी चीजें हैं जिनका उपयोग अपन दैनिक जीवन में करते हैं। तो कहा जा सकता है कि रसायन का दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। क्लियर बेटा? अब इसमें अपन एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, इसके बारे में, पदार्थ के बारे में, इसके बारे में, पदार्थ के बारे में, पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है। देखिए छोटा सा टॉपिक है अपने पास में, इसके बारे में बात करेंगे बेटा, द्रव्य के बारे में बात करेंगे। एक तो होता है द्रव, एक होता है द्रव्य, इसकी बात करेंगे अपन, द्रव्य की बात करेंगे। वे वस्तुएं, परिभाषा दे रहा हूं मैं आपको, इसके द्रव्य, द्रव नहीं है, द्रव्य, वे वस्तुएं जो क्या करती है, स्थान घेरती है, स्थान घेरती है तथा इनका निश्चित द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। जैसे प्रकृति की सभी वस्तुएं द्रव्य में आती हैं, सभी वस्तुएं, जैसे ये मार्कर है अपने पास, राइट, इस मार्कर का कोई ना कोई आपका क्या है, निश्चित द्रव्यमान है, और इसको मैं कहीं भी रखूंगा तो क्या हुआ, इसने स्थान घेरा, जहां भी रखोगे आप, कहीं भी रख दो इसको, ये अपनी जगह घेरेगा। तो कोई भी वस्तु है वो जहां भी रखी है
वो स्थान घेरती है और उसका निश्चित क्या होता है, द्रव्यमान होता है, क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है प्रकृति की सभी वस्तु। क्लियर। अब थोड़ा सा क्या कर लेते हैं अपन, द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण देख लीजिए। द्रव्य का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, एक तो होता है आपका भौतिक वर्गीकरण, इसके आधार पर भौतिक अवस्था के आधार पर वो कितनी होती है, तीन होती है, ठोस, द्रव और गैस। क्लियर। द्रव्य का वर्गीकरण में भौतिक वर्गीकरण किनके अवस्था पर, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर वो कितनी होती है, तीन होती है, ठोस, द्रव और गैस। फिर होता है आपका रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका शुद्ध पदार्थ, क्या होता है, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा होता है आपका मिश्रण, क्या होता है बेटा, मिश्रण। क्लियर। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका तत्व और दूसरा होता है आपका यौगिक। क्लियर। मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका समांगी मिश्रण और दूसरा होता है आपका विषमांगी मिश्रण। क्लियर। भौतिक वर्गीकरण हो गया आपका ठोस, द्रव, गैस, इसके आधार पर भौतिक अवस्था का नाम। रासायनिक वर्गीकरण आपका दो प्रकार के, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, मिश्रण दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के, तत्व और यौगिक। अब तत्व कौन कौन से होते हैं, तत्व होते हैं आपके धात्विक प्रकार के, अधात्विक प्रकार के और उपधातु प्रकार, धातु, अधातु और उपधातु। क्लियर। यौगिक भी आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कार्बनिक यौगिक और दूसरों अकार्बनिक, कौन कौन से, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो ये था आपने द्रव्य की परिभाषा और द्रव्य का वर्गीकरण। क्लियर बेटा। तो आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूं क्लास आपको समझ में आई होगी। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।